Good students, today our topic is voice part 2 teaching. If you have not watched its first part, so to understand better, it's good for you to watch its first part. After watching its first part, you have seen that practical and structural methods are being used in this video. This video teaches what the uses of voice are by giving the practical example in English by translating them into Hindi. A series of grammatical topics this way leads students to the destination the student requires in field of English. So let us start its second part without wasting of time. The kind of voice. तो देखते हैं इसमें kind of voice में अलग अलग प्रकार के active voice के sentence को passive voice में convert करना, जैसे कि हमारे पास में affirmative sentence है, he is doing his work. पैसिव वॉइस बनेगी हिज वर्क इज बीइंग डन बाय हिम, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नोट लग जाता है तो पैसिव वॉइस में भी नोट लग जाएगा. जैसे कि हमारे पास में सेंटेंस है ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क, पैसिव वॉइस में हिज वर्क इज नॉट बीइंग डन बाय हिम. एक बात और ही बताना चाहूँगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट की जहाँ आवश्यकता ना हो वहाँ पर ना लगाइए, लेकिन एग्जाम में जरूरी होता है तो एग्जाम में अगर आप बना रहे हो तो जरूर लगाइएगा. इंटरगेटिव की टाइप पर आते हैं तो इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे होती है, एक्टिव वॉइस में तो देख लीजिएगा इंटरगेटिव में एक्टिव वॉइस है. इज ही नॉट डूइंग हिज वर्क, पैसिव वॉइस में हिज वर्क इज हिज वर्क नॉट बीइंग डन बाय हिम. डब्ल्यू एच फैमिली में सेम कंडीशन रहेगी. व्हेन इज ही डूइंग हिज वर्क, पैसिव वॉइस में भी व्हेन इज बाकी सेम है, हिज वर्क बीइंग डन बाई हिम इंटरगेटिव और नेगेटिव. एक्टिव वॉइस में व्हेन इज ही नॉट डूइंग हिज वर्क, पैसिव वॉइस में भी सेम है, व्हेन इज हिज वर्क नॉट बीइंग डन बाई हिम. इन्फिनेटिव कर लिया है मैंने, आई हैव टू राइट ए बुक, एक्टिव वॉइस में है आई हैव टू राइट ए बुक, पैसिव वॉइस में ए बुक हैज़ टू बी रिटन. एक सेंटेंस और भी लिया मैंने इन्फिनेटिव का, देर इज नो मनी टू बाई ए स्कूटर, सो देर इज नो मनी फॉर स्कूटर टू बी बोट, ये पैसिव वॉइस में मैंने ले दिया है, इसकी पैसिव वॉइस बना दी है. इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस देखिए एक्टिव वॉइस में, डू योर वर्क, पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा इसका, योर वर्क शुड बी डन, शुड बी यूज करते हैं हम इसमें, शुड बी इम्पेरेटिव में. और दूसरे तरीके से बन जाएगा, लेट योर वर्क बी डन. अगर हम इम्पेरेटिव में नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो देखिए Do not do your work. Do not do your work. ये क्या है इम्पेरेटिव में नेगेटिव टाइप है, तो पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, योर वर्क शुड नॉट बी डन. इसी प्रकार इसको हम लेट से भी बना सकते हैं, लेट योर वर्क नॉट बी डन. एक्टिव वॉइस अगर हम लेट वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो, अब लेट का सेंटेंस हमारा ये एक्टिव वॉइस में, लेट अस पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, अगर इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में बदलना है तो यहाँ पे जो लेट है वो सजेशन को बताता है, तो सजेशन का मीनिंग क्लियर करना होगा यहाँ पे. इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, तो लेट अस जिसमें सजेशन हो तो सजेशन का मीनिंग क्लियर करते हुए हम इस प्रकार से वॉइस बनाएंगे. तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले. प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल का मतलब है जिन वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन पहले से फिक्स होती है, तो सेम प्रीपोजिशन उस वर्ड के साथ जो होती है, अर्थात वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन पहले ही निर्धारित होती है, उस वर्ड को उस वर्ब को सेम ही हम पैसिव वॉइस में उस प्रीपोजिशन के साथ यूज कर लेते हैं. जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया है दे लाफ्ड एट हिम, तो लाफ्ड के साथ में एट ऑलरेडी प्रीफिक्स प्रीपोजिशन, आई मीन टू से प्रीडिटरमाइंड प्रीपोजिशन है, तो दे लाफ्ड एट हिम पैसिव वॉइस बनेगा ही वॉज लाफ्ड एट बाई दैम. यहाँ पे जो एट है वो लाफ के साथ में है, बाई का अपना अलग मीनिंग है, प्रीपोजिशन अदर देन बाई. तो कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन ऑलरेडी फिक्स होती है, उसके साथ बाई नहीं आता, उसके साथ उसकी प्रीपोजिशन आती है. जैसे कि आई नो हिम, आई नो हिम के साथ में नो के साथ जो प्रीपोजिशन फिक्स होती है वो टू होती है, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, ही इज नॉन टू मी. और भी वर्ड है जैसे सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई विद, सेटिस्फाइड विद, ये भी और भी और भी वर्ड होते हैं जिनके साथ में दूसरी प्रीपोजिशन लगती है. देखिए
Other preposition is used with only those verbs which are predetermined with the preposition. अर्थात इसका मतलब सिंपल सा ही है कि दूसरी preposition केवल उन्हीं क्रियाओं के साथ में लगती है जिनके साथ में उनकी स्वयं की preposition पहले ही निश्चित है. Double object active voice. कई sentence में double object होता है, जैसे कि इसमें me, इस sentence में हमारे पास में है me और a book. He gave me a book. Passive voice में a book was given to me by him. A book was given to me by him. इसी प्रकार से इसमें दो ऑब्जेक्ट है तो ये पैसिव वॉइस भी इसकी दो प्रकार से बनेगी. तो मैंने बना दिया पहले ए बुक से, अब दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं आई मी का. देखिए क्या कहते हैं, आई वॉज गिवन ए बुक बाई हिम. आई वॉज गिवन ए बुक बाई हिम. मैंने पूरा प्रैक्टिकली करा दिया है, तो इन सभी इस टॉपिक की बेटर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए. देखिए, प्रैक्टिस नाउ विद योर ओन सेंटेंस एंड यूज दिस टॉपिक वॉइस व्हाइल ट्रांसलेटिंग हिंदी इनटू इंग्लिश और अनडाउटली इंग्लिश इनटू हिंदी. अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस वीडियो के आधार पे अपने स्वयं के सेंटेंस को वॉइस टॉपिक का प्रयोग करते हुए, जो बेसिक से आप हिंदी से इंग्लिश में बना रहे हो या इंग्लिश से हिंदी में बना रहे हो, वो इसका प्रयोग करते हुए अपने सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखे. एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि ये टॉपिक है ग्रामेटिकल, जो टॉपिक होते हैं इनका प्रयोग अपनी भाषा में यूज कीजिए. अगर इनका आप यूज नहीं करोगे तो बिना यूज किए इनको आप भूल जाओगे. ये याद तभी रहते हैं जब आप इनको यूज करोगे. इनको यूज करने से आपकी जो भाषा होती है वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.